सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको फोर इकोनॉमिक सेक्टर्स जो हैं कौन कौन से हैं और इनका क्या कॉन्सेप्ट है आपको इजी वे में समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। जो हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी चीजें बन रही हैं, सर्विसेज होगी, प्रोडक्ट होगी, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है और उस प्रोडक्शन को हम उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसकी खुद की कंजम्पशन कर रहे हैं उसको, और आउट ऑफ कंट्री बेच रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। अभी देखें, हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो चार सेक्टर है मेजर, इनके ऊपर खड़ी है। अगर ये चार सेक्टर ना हो तो हमारी इकोनॉमी डेड हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। अभी कौन कौन से वो सेक्टर है समझते हैं उनको। सबसे पहले आ जाता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या होता है कि जो हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले, सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए, जो हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले रहायशी हैं, जो रेजिडेंट है, जो हमारे कंट्री के अंदर लोग रह रहे हैं। अगर लोग नहीं होंगे तो हमारी कंट्री किधर है? खत्म। अगर रहने वाला कोई लोग ही नहीं होगा, कोई पर्सन ही नहीं होगा, तो कंट्री का नाम ही नहीं होगा भाई। कंट्री किधर है? कोई भी नहीं, खत्म। तो हाउस होल्ड, लोगों का होना। और अभी देखिए, लोग होंगे तो चीजें बनेगी, इकोनॉमी डेवलप होगी और लोग खुद भी उसकी कंजम्पशन करेंगे, लोग आउट ऑफ कंट्री उसे बेचेंगे। तो ये आ गया ना एक इकोनॉमी सेक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमी सेक्टर है हाउस होल्ड। सेकेंड पे आ जाता है बिजनेसेस। देखिए, बिजनेसेस लोग होंगे तो बिजनेस होंगे ना। सबसे पहले हाउस होल्ड, फिर बिजनेस। लोग हो गए, रहायशी आ गए कंट्री के अंदर, फिर वो बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, क्योंकि उनको जरूरत है। उन्होंने अपनी जिंदगी का सर्वाइव करने के लिए, रोटी पानी खर्चा मर्चा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको बिजनेस कारोबार करना पड़ेगा। तो कारोबार होंगे तो लोग जॉब करेंगे, तो इसलिए बिजनेस जो है ना वो मेजर चीज है। अभी देखें, बिजनेस करेंगे लोग, आउट ऑफ कंट्री चीजें बेचेंगे, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, नई नई चीजें बनाएंगे, तो इससे क्या होगा? ये भी एक इकोनॉमी का, इकोनॉमी के लिए मेजर पार्ट है, एक मेजर सेक्टर है बिजनेसेस। थर्ड पे आ जाता है गवर्नमेंट। अभी देखें, गवर्नमेंट क्या है? हुकूमत। हमारी जो है हुकूमत नहीं होगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। हुकूमत ही सारा काम जो है, हुकूमत एक अच्छे तरीके से मुल्क को यूटिलाइज कर रही होती है। गवर्नमेंट जो होती है आर्मी को चला रही होती है, पुलिस जो होती है कंट्री के अंदर उसको चला रही होती है, उसके बाद नेवी होगी, एयरफोर्स होगी, और भी बहुत ज्यादा सेक्टर है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट के स्कूल हो गए, उन सारी चीजों को गवर्नमेंट चला रही होती है। दूसरे कंट्रीज के साथ जो लेन देन करना है, उनके साथ जो पॉलिसीज बन रही है, उनके साथ जो पॉलिटिक्स इशू है, उनको सॉल्व करती है। ये गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट ना हो तो कोई भी हमारा लिंक ना हो, कोई भी हमें कोई सिक्योरिटी ना हो, कोई भी हमारी एयरफोर्स, कोई भी हमारी हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी कंट्री के अंदर कोई भी चीज ना हो, तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रह सकती। और लास्ट पे आ जाती है फॉरेन ट्रेड। देखिए, फॉरेन ट्रेड बहुत मैटर करती है। अगर आप अपने कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो आप तरक्की के लिए, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, हम फॉरेन ट्रेड के बगैर नहीं जी सकते। देखें, अगर हम कंट्री के अंदर रह रहे हैं, हम खुद की चीजें बनाएंगे, खुद ही उसको इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे इंडिया के अंदर हर चीज आपको खाने पीने की मिल जाएगी, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें आउट ऑफ कंट्री से मंगवानी पड़ेंगी, तो फिर वो चीजें मंगवाएंगे, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमारी इकोनॉमी, जो हमारी करेंसी है, वो डेड हो जाएगी। क्यों? क्यों हम ट्रेड ही नहीं कर रहे, हम आउट ऑफ कंट्री से हमें कोई पैसा ही नहीं आ रहा। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने कंट्री के चावल, गंदम, ये चीजें आउट ऑफ कंट्री बेचेंगे, तो हमारी क्या होगी? हमारे कंट्री के अंदर डॉलर आएंगे, आउट ऑफ कंट्री से करेंसी आएगी, तो क्या होगा? हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, तो हमारी जो जीडीपी है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो स्टेबल होगी। अभी एक और चीज इधर नीचे लिखी है, इंजेक्शन एंड लीकेजेस। देखिए, हमारी जो कंट्री के अंदर जितना भी पैसा फ्लो हो रहा है, हमारी जो इनकम है, उसके अंदर जब हम आउट ऑफ कंट्री कुछ चीजें बेचते हैं, तो उसके अंदर आउट ऑफ कंट्री से जो पैसे आते हैं, जो डॉलर आते हैं, उसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बनाया है, उसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने 1,00,000 रुपए इशू कर दिया है, 1,00,000 रुपए के नोट इशू कर दिए हैं, 1,000, 1,000, 100, 100 के, 500 के, तो 1,000 लोगों में ट्रेवल हो रहा है। हमने सैलरी ली, सैलरी लेके हमने बच्चों की फीस दी, बच्चों की फीस जिधर गई, उस प्रिंसिपल ने सब्जी ली, तो इस तरह एक दूसरे के अंदर फ्लो हो रहा होता है पैसे का। तो जब हम इस फ्लो के अंदर आउट ऑफ कंट्री से डॉलर आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। हमारी नेशनल इनकम के अंदर से अजाफी अमाउंट आती है, उसको इंजेक्शन बोलते हैं। और जब हमारी सर्कुलर फ्लो से हमारे जो 1,00,000 रुपया गवर्नमेंट ने फेंका है हमारे कंट्री के अंदर, ताकि लोग इससे चीजें वगैरह खरीद सके, हमारा फ्लो सप्लाई चलती रहे, तो पैसे की बेस पे काम चल रहे हैं ना सारे। तो ये पैसा कौन बनाती है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जितने पैसे बनाए, और उस पैसे, फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने 1,00,000 रुपए के नोट छापे हैं, तो
1,00,000 रुपए के नोट में से 10,000 रुपया जो है वो कोई लेके आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, तो एक लाख रुपए में से 10,000 चला गया, पीछे रह गया 90,000। ये जो 10,000 रुपया निकल के आउट ऑफ कंट्री चला गया, इसको हम बोलते हैं लीकेजेस। तो ये इंजेक्शन और लीकेजेस का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको फोर इनकम सेक्टर जो है इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।